त्योहारों का वक्त हो और ऐसे में हम सब कुछ यूनिक करना चाहते हैं, चाहे घर की डेकोरेशन हो, चाहे कैंडल्स ही क्यों ना खरीदे, हमें सब कुछ अलग और खूबसूरत चाहिए होता है। तो रंगोली में हम वही पुरानी डिजाइंस क्यों वापरें? आज नए साल के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रंगोली जो यूनिक भी लगेगी, जल्द से जल्द भी बन जाएगी और आप ही के घर में जो सामान मौजूद होता है, जो सामान हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, उसी चीज के इस्तेमाल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं नए साल के लिए यूनिक और खूबसूरत रंगोली। आज हमारे साथ में जुड़ रही है हिमाली शाह जी, जो कि एक रंगोली आर्टिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगी कि हम नए साल के मौके पर कैसी रंगोली बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, ये घर में ही होता है सबके अवेलेबल, थाली और कटोरी, तो हम उसी से बनाएंगे जो सबके पास अवेलेबल होता है और इजीली हम बना देते हैं। तो आज नया साल है तो हम शुरुआत स्वस्तिक से करेंगे जी। जो स्वस्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे समाज में, तो हम ये थाली कटोरी से शुरुआत करते हैं। ये हम थाली को रखते हैं तो उसके पहले उसका सर्कल बना लेते हैं। ये जो बिंदु होता है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है। अच्छा। हाँ, जो हम जैसे कि पहले के ज़माने में राजा लोग जाते थे तो सर पे ऐसे तिलक या बिंदु लगाते थे, ऐसे हम भी कथा पूजा या कुछ भी शुभ प्रसंग करते हैं तो लगाते हैं, और लेडीज़ भी वो क्या बिंदी लगाती है, उसका मतलब संस्कृत में बिंदु होता है। अच्छा। जो सौभाग्य का प्रतीक होता है, ये हमने इससे बड़े थोड़े रखे हैं बिंदु। जैसे हम बीच में स्वस्तिक या लोटस या कुंभ ऐसा कुछ भी शुभ चिन्ह बनाते हैं तो वो वाइब्रेशन हमें अच्छा देता है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे एक टूथपिक है, उससे आप उसके अंदर ऐसे केंद्र वर्धिनी बोलते हैं उसको। ओके। इसका मतलब होता है कि फोकस, जो हम योगा वगैरह करते हैं उसमें ऐसा आप देखे होंगे ये साइन। हाँ। तो इसका संस्कृत नेम है केंद्रवर्धिनी। अच्छा। मानी आप किसी भी लक्ष्य को साधना हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी हम अवेलेबल हमारे घर में कटोरी होती है उसको यूज़ करेंगे। Thank you.
कार्डबोर्ड ऐसा काटा हुआ रखेंगे तो लीफ पैटर्न ऐसा बनेगा, या ऐसा भी रख सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाहर हम फूलों की बॉर्डर बनाएंगे, है ना। ओके, अभी हम रंगों के साथ फूलों को भी सजाएंगे। ओके, न्यू ईयर की रंगोली है तो और भी ज़्यादा, हाँ और भी ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन। ओके, त्यौहार के मौके पर हम घर में रंगों से इन रंगोलियों को सजाते हैं, कई लोग फूल से भी बनाते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ज़्यादातर रंगोली पॉजिटिव वाइब्स देता है हमें, और ये 5 उंगलियों से बनता है, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो योगा अभ्यास में ऐसा बोला जाता है कि जो ज्ञान मुद्रा होती है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। और ये कलर्स है जो हम सोचे कि अगर लाइफ में कलर्स ना हो तो ब्लैक एंड वाइट लाइफ कैसी रहेगी, तो ये हमको मैसेज देता है कि रंग बिरंगे कलर से अपनी लाइफ को भरो, ये जीवन हमको बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये हमारी न्यू ईयर की इजी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रंगोली बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, कोई भी आपके घर में जब आएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा एंटर होते ही, क्योंकि इसमें अलग अलग रंग और साथ ही साथ जो स्वस्तिक, जैसा इन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है, और जो फूल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो इसे और भी ज़्यादा निखार देते हैं। तो जब भी कोई त्यौहार के मौके पर आपके घर में आएगा तो रंगोली देखकर आकर्षित हो ही जाएगा, और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने पूरा मेकिंग देखा है इसका, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस नए साल पर आप ज़रूर अपने घर के द्वार पर इस रंगोली को बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घरों में इस रंगोली को क्रिएट कर सकें। इसमें जो भी रंग आपको अच्छा लगता है उन रंगों का इस्तेमाल कीजिए और अपने घर को ज़रूर सजाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हिमाली शाह जी का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमें बताया कि हम घर में किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रंगोली क्रिएट कर सकते हैं। आप भी अपने घर में इस रंगोली को क्रिएट करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस नए साल पर आपने जब ये रंगोली बनाई तो आपके गेस्ट ने आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, और साथ ही इन तस्वीरों को भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर।